सो हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप सभी लोग। हम ठीक है। ठीक कहा है? अरे कहा है। तो आज थोड़ा सा हम जा रहे हैं थोड़ा आउटिंग पार्टी शार्टी में, पार्टी शार्टी के लिए, क्योंकि आज भाभी का बर्थडे है। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो। यस, हमारी डियरेस्ट एंड क्यूटेस्ट भाभी का बर्थडे है। तो अब हम वहीं पे जाएंगे, तो बताना कमेंट में कैसा लग रहा है थोड़ा बहुत। भैया फुल ब्लैक में है, इग्नोर, इधर आओ ना। एंड मैं भी फुल ब्लैक में हूँ। तो रिया रिया तो काली काली से निचल लग रही है। जस्ट लाइक यू। हाँ, तुम्हारे स्पेक्स के बिना दिखेगा थोड़ी ना अंधी, तो हुई वैसे भी बहुत अच्छी लग रही है। रुक जा। सो भैया अभी जस्ट 5 मिनट पहले आए हैं। तो कुछ करना रहता है नहीं इन लोग, तुम लोग को तो ऐसे ही होगा। हाँ, हाँ, जैसे माय फुल आउटफिट इज फ्रॉम, मैं बोल नहीं सकती। मेरी फुल आउटफिट सरोजनी नगर की है। एक्सक्यूज मी ब्रदर, स्कूटी की चाबी पता नहीं, पर ये रे भैया। हाय भैया, आ रहे हैं आ रहे हैं। तो ये भैया थे जिनकी वाइफ का बर्थडे है। भैया बाहर वेट कर रहे, कहाँ पर हो? गाड़ी चला कौन रहा है? देखे तो। हेलो भैया, क्या हाल है भाई? बढ़िया, कहाँ जा रहे हैं? क्या हाल है तेरी फैमिली के, क्या हाल है? सब बढ़िया है? सब बढ़िया है। कहाँ जा रहे हम? जा रहे हैं रानीबाग 5-स्टार ढाबा। ओ, 5-स्टार ढाबा। ये नाम है उसका। अच्छा भैया, अभी निकाल लिया, चलते हैं। हाँ भैया। हाँ जी, ऑन हो गया आपका कैमरा? हाँ हो गया। चलो रेडी हम सब। ठीक है, आते वही लोग। अरे आओ यार जल्दी यार, बहुत वेट कराते हैं यार। हाय, हैप्पी बर्थडे भाभी। देखो ओवर लग रहा हूँ। क्या नहीं बजा रहे शादी में? कोई नहीं, भाभी को बर्थडे है। किसी शादी में कुछ जाएंगे खाना खा सकते हो भाभी। मस्त प्लान है। दिखा दिया, दिखा दिया। और मुझे आप लोगों ने पजामा टी शर्ट के अलावा पहली बार देखा है। पहली बार हमारी सुंदर दीदी, नहीं हमारी सुंदर। अच्छा, इसने शादी में दिखाया था। अरे चलो, पहले लेट हो रहा है। थोड़ी गाड़ी महंगी हो गई है। लाइट महंगी हो गई। हाँ बस, अभिषेक भी तो आना चाहिए ना। हर बार यही नहीं आता। और क्या, थोड़ा मेरा भी तो दिखना चाहिए कि नहीं? तो तुम अपना थंबनेल में तो डाल दो। भाभी पता क्या हुआ था? हाँ, बाकी सब आ जाते हैं। अरे भाभी पता क्या हुआ, मेरा बर्थडे का व्लॉग डाला था ना इन्होंने। मैंने कल, हमारी ऐसी बात हो रही थी, तो मैंने कहा हाँ, अपना अपनी थंबनेल डालना, हमारी तो डालना ही नहीं। मेरे बर्थडे के ब्लॉग में मेरी फोटो नहीं थी, बाकी सबकी थी। सिद्धार्थ शुक्ला है, सबकी थी, बस मेरी नहीं थी। सिद्धार्थ शुक्ला भाभी रिया के बर्थडे वाले दिन मारा था। अभी दीदी दीदी दूसरे वाले ब्लॉग में आएंगे, जिसमें हमने होली खेली थी। आज होली ना अगले साल खेली जाएगी। होली ऐसी होली खेली जाएगी, फुल कार्टून वाली जो होली होती ना, एकदम कार्टून बना के। हाँ ना भाभी, भाभी एकदम मजे कर लेंगे। अरे बहुत बहुत, अगली 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 होली, अगली होली में घर से नहीं निकलूंगा। अरेंजमेंट करेंगे हर चीज। ना कहें एसी की जगह पता क्या गिफ्ट देना चाहिए था, एक छोटी सी ऐसी नथिया जैसे, क्योंकि आपका तो पागलपन रहता है ना इस पे। अच्छा। मतलब भाभी ने अगले साल का बता दिया है। हाँ, भैया अभी से ठीक, तो ये हिंट है, मैं आपको बता दूँ। वहाँ फिरा के गोल्ड में आया थी हमारा। हो गया आपका? अभी 2-3 साल तो नहीं। हम बताए एक्चुअली में क्या हुआ कि मतलब कि ये इनको बहुत पसंद है। नहीं, ये लड़कों को पसंद होती है। छोड़ना भाई, मेरा भाई भी है छोटा वाला। सही में ये तूने सर्वे कब किया? सर्वे कंडक्ट करता रहता है। और हम लोग को तो दीदी नथ भी नहीं पसंद होती। हम लोग आप तो बोलो ही मत, करवा के बंद करवाइए यहाँ पे यार। बहुत पसंद है, करवा। अरे मतलब लड़कियों, नहीं अपना करवा लेना। मम्मी वैसे मुझे बोल रही थी, तो तुझे बोल रही थी मम्मी को, बोलते थे मम्मी अभिषेक का करा दो। आपके सपने पूरा, नाक छिदवा लेता हूँ, आपकी कान छिदवा लेता हूँ, आईब्रो छिदवा लेता हूँ, जीभ में भी एक छिदवा लेता हूँ। मैं बता दूँ तुम्हें, आईब्रो अनुज भैया है ना जो हमें पीछे
लगवाई थी आईब्रो कैसे लगते थे वो, मतलब छिदवा के आया बच्चा बच्चा फिर रहा था देखना ले पापा देखना ले देख लिया पापा ने तो नहीं देखा मम्मी ने देख लिया था ठीक है। और उसी दिन वार्निंग मिल गई कि अगले दिन ये नहीं दिखना चाहिए तो हटवा दिया बेचारे ने। अनुज भैया तो अनुज भैया हमारे सिंसियर थे अभिषेक होता तब तो मम्मी कोई बात नहीं अब तो मम्मी जो हो गया वो कितना झेला होगा अगले ने भाई हिम्मत से हटवाना ही पड़ा एक दिन। भाभी आप शादी से पहले अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करती थी? घर पे पड़े रह के यही भाभी ना कंगना रनौत जैसे कंगना रनौत को कुछ नहीं करके बहुत सुख मिलता है। हाँ मतलब कि वेले रहने में ना एक अलग तरीके का फन है मतलब कुछ नहीं करना है जैसे रिया छोले भटूरे खा के मैं तो थक गई नहाने को ना कुछ करे भी थक गई। तो मतलब पूरे दिन ऐसे घर पर रहती थी बस बस उस दिन आती नहीं थी आज भाभी दो बार आई बस शाम को नहा करके फिर मंदिर जाते थे शंकर भगवान जी के जो आज इनको हम कह कह के थक गए और ये हमें नहीं ले वहीं पर है बाहर बेटा दो मिनट रुक जाओ बस उसका नाश कर देना बोलो भैया चलो काट नहीं कुछ करो थाली लगनी स्टार्ट होगी उधर तो लग गई है अपनी भैया स्माइल मार रहे टेढ़ी टेढ़ी तो उधर लगनी स्टार्ट होगी इधर भी लग जाएगी। हाँ इधर भी लग जाएगी थाली क्या हुआ बुलाएगी हमारी जो दीदी है पारुल दीदी वो अच्छा। बहुत दूर रहती है सात समुद्र मतलब पता है वो सात समुद्र पार रहती है उनको वो इस फंक्शन में है वीडियो कॉल पे कहाँ है आपको वीडियो कॉल किया जाए वर्चुअली अच्छा वर्चुअली प्रेजेंट है वो इधर ये रही दीदी आ गई ब्लॉग पे अब तो ये अब हमारे साथ वर्चुअली कनेक्टेड है। चलो हो गया बहुत हो गया चलो सब लोग जाने की तैयारी में और एक तो मुझे सेंसिटिविटी थी है ना तो क्या है आंटी मेरे को ऐसी परेशान करती है सेंसिटिविटी अभी चल रहे हैं घर। हाँ अभी बस चलता घर भैया तो बड़े हैवी ड्राइवर है भाई कहाँ चढ़ा दी भैया लेकिन भैया ये गाड़ी यहाँ क्यों चढ़ाई आपने ओम सी माम सी माम बिंग बिंग बो तुम सस्ते नजे तार चिपक गई छाती से ओम सी माम बिंग बिंग बो